जिस गली में गूंजती थी अतीक की हनक, वहां गूंजा मुनादी का ढूंढ। जिस घर से चलती थी चकिया की सल्तनत, वहां चिपका कुर्की का नोटिस। जिस जगह से माफिया अतीक अपना पूरा साम्राज्य चलाता था, इसी घर से शाइस्ता अतीक के जेल जाने के बाद पूरा गैंग ऑपरेट करती थी। यूपी पुलिस ने उसी गली में पहली माफिया फैमिली के खिलाफ डुगडुगी बजवाई और फिर उसी घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि तस्वीरें योगी राज में कानून के बुलंद देखभाल की सबसे बड़ी गवाही। जिस घर के सामने से गुजरने पर लोगों की रूह कांप जाती थी, जिस घर को देखकर लोगों के सिर झुक जाते थे, वो घर मटिया मेट हो चुका है। बाबा के बुलडोजर ने घर को जमींदोज कर दिया। कुछ दीवारें, कुछ मलबे, कुछ अवशेष बचे हैं। इन्हीं बची हुई दीवारों में से एक दीवार पर कुर्की का नोटिस है, जिस पर बिग एंड बोल्ड टेक्स्ट में शाइस्ता परवीन का नाम लिखा गया। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता को अतीक गैंग की कमान मिली। शाइस्ता अतीक गैंग की गॉड मदर बन गई। उमेश पाल मर्डर में पुलिस ने शाइस्ता का नाम चार्जशीट में डाला। बतौर मास्टरमाइंड शाइस्ता की केस में एंट्री हुई। फरवरी में शाइस्ता फरार हो गई। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया और अब पुलिस ने शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया। शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 1,00,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन मुगालते में थी, लेकिन यूपी पुलिस ने शाइस्ता परवीन के प्लान को पलीता लगा दिया है। शाइस्ता सोच रही थी कि अतीक की मौत के बाद उसके गैंग को दोबारा से खड़ा कर लेगी, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करके उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब शाइस्ता परवीन के पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के भीतर अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देती है तो उसका मकान, उसकी संपत्ति कुर्क होने से बच जाएगा, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद प्रयागराज पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद शाइस्ता परवीन की संपत्ति को कुर्क कर लेगी। और इस बीच शाइस्ता और जैनब ये प्लान बना रही थी कि अपनी संपत्ति को बेचकर नेपाल के रास्ते कहीं सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच लिया जाए, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने इन मंसूबों को भाप कर उसके खिलाफ भगोड़ा होने की कार्रवाई शुरू की। और भगोड़ा घोषित होने के बाद अब मुनादी की तैयारी है कि बहुत जल्द उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। उमेश पाल मर्डर में जो पुलिस ने अतीक गैंग की मोस्ट वांटेड लेडीज की लिस्ट तैयार की, पहला नाम अतीक की पत्नी शाइस्ता का। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित। शाइस्ता के बाद दूसरे नंबर पर अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और तीसरा नंबर अतीक की बहन आयशा नूरी। तीनों करीब 5 महीने से लापता हैं। माफिया किस लेडी ब्रिगेड को पकड़ने की पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एसटीएफ यूपी के साथ साथ हर दूसरे स्टेट में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन तीनों महिलाएं अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं पाई। इसकी 2 बड़ी वजह, एक बुरका नशी होना, मतलब ये कि वो बुरके का फायदा उठा रही हैं। बुरका पहनकर वो आसानी से दूसरी मुस्लिम महिलाओं की भीड़ में शामिल हो जाती हैं, अपनी पहचान छिपा लेती हैं। दूसरा ये कि अतीक के कई मददगार अभी जिंदा हैं। वो लोग माफिया की लेडीज ब्रिगेड को फरारी में सपोर्ट कर रहे हैं, हाइड आउट के लिए फंड और लोकेशन दे रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस के नोटिस और शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करने वाले एक्शन के साथ ये तय हो चुका कि योगी की पुलिस अब आर पार के मूड में और अतीक गैंग की इस गॉड मदर का गेम ओवर होने वाला है। डॉक्टर बम्बास गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। इन तीनों पर 5,000,000 रुपए का इनाम रखा गया। जो घटना के दिन सही बाबा सूर फरार है, उसके 82 की कार्रवाई माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट प्रयागराज के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। अगर 82 की कार्रवाई के बाद वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है या नहीं मिलता है तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर 5,00,000 का इनाम भी आ रहा है। 5,00,000 का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पे। जैसा जैसा शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक्शन हुआ, ठीक वैसा ही एक्शन गुड्डू मुस्लिम पर भी हुआ। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची। बमबाज गुड्डू के खिलाफ डुगडुगी बजाई और गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया।
उमेश पाल शूटआउट कांड में वांछित और 5 लाख रुपए का इनामिया बदमाश बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ आज प्रयागराज की धूमनगंज जो पुलिस है वो 82 की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में पहुंची है, जहां पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम का जो घर है वो यहां पर है। आपको पीछे तस्वीरों में दिखाएंगे कि घर पर जो है नोटिस जो है 82 की वो चस्पा किया गया है, यानी कि तय समय तक गुड्डू मुस्लिम अगर हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ प्रयागराज की धूमनगंज जो पुलिस है वो 83 की भी कार्रवाई कर सकने के लिए सक्षम होगी, यानी कि कुर्की की कार्रवाई। अभी जो है 82 की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिस तरह से कल माफिया तीक अहमद की बेगम साइस्ता परवीन के खिलाफ 82 की कार्रवाई करके अंजाम दिया गया था, उसी तरीके से आज 5 लाख रुपए के इनामिया बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था, यहाँ पर डुगडुगी पीटकर जो 82 की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर दलदल के साथ जो थाना प्रभारी है राजेश कुमार मौर्य वो यहाँ पर मौजूद है और 82 की कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं उनको भी अनाउंसमेंट करके बताया गया है कि जो भी ये फरार चल रहे हैं 5 लाख रुपए का जो इनामिया है बमबाज गुड्डू मुस्लिम उसको पनाह देता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अति गैंग के खिलाफ 2 दिन में 2 बड़े एक्शन हुए। एक तरफ शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया तो दूसरी तरफ अति के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। यूपी में तस्वीरों की खूब चर्चा हुई क्योंकि ये तस्वीरें योगी राज में कानून के बुलंद इकबाल की सबसे बड़ी गवाही है। योगी सरकार के मंत्री इन तस्वीरों को कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा और जो भी यूपी में कानून को चैलेंज करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा। कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई अपराधी है और उसको पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया है उसको अपनाते जब वह नहीं पकड़ में आता है तो भगोड़ा घोषित किया जाता है। उसके क्रम में घोषणा की होगी पुलिस विभाग ने और यह एक विधिक सब विषय है। हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है प्रशासन है ये पूरी मुस्तैदी के साथ समाज में सुरक्षा कायम करने के लिए काम कर रहा है और यकीनन हमने अभूतपूर्व काम किया है कानून व्यवस्था की दिशा में और हमारा हर कदम योगी सरकार का उसी दिशा में एक सार्थक पहल। जिस तरह से अति के गैंग पर एक्शन हो रहा है, कहीं कुर्की तो कहीं किसी को भगोड़ा घोषित किया जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि अति के गैंग का चैप्टर क्लोज करने का पूरा प्लान पुलिस ने तैयार कर लिया। अब पुलिस स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। इसको समझने के लिए अतीक गैंग पर हुए पुलिस या एक्शन की जरा टाइमलाइन देखिए। 30 जुलाई को लखनऊ में एसटीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन किया। अतीक का खासम खास और अतीक गैंग का गॉडफादर विजय मिश्रा गिरफ्तार हुआ। विजय मिश्रा को लेकर रिमांड पर पूछताछ हुई। 3 अगस्त को खबर आई कि जैनब पर पुलिस इनाम घोषित करने वाली है। 4 अगस्त को प्रयागराज में फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। अली अहमद के दोस्तों की 3 दुकानों पर ध्वस्तीकरण का एक्शन हुआ। इसके बाद 7 अगस्त को अगली बड़ी खबर आई। अतीक गैंग का एक्टिव मेंबर और अतीक का खास गुर्गा वारिस गिरफ्तार हो गया। 7 अगस्त को पुलिस ने प्रयागराज में एक्शन लिया। शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 8 अगस्त को गुड्डू मुस्लिम पर एक्शन हुआ। गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा हो गया। अतीक गैंग का सबसे बड़ा राजदार विजय मिश्रा पुलिस के शिकंजे में है, जो एक एक करके अतीक के राज खोल रहा है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। एक एक इनपुट पर एक्शन हो रहा है। पुलिस एक तरफ अतीक गैंग पर कानूनी शिकंजा कस रही है तो दूसरी तरफ कंगाल गैंग को और कंगाल बनाने के प्लान पर काम चल रहा है। पुलिस ने अतीक के करीबी बिल्डर खालिद जफर के बहनोई इरफान को गिरफ्तार किया। इरफान अतीक अहमद गैंग का गुर्गा है। इरफान ने खुलासा किया कि बिल्डर खालिद किसानों की प्रॉपर्टी को दूसरों के नाम पर खरीदता था, दूसरों के बैंक खातों से लेन देन करता था, माफिया अतीक की बेनामी संपत्ति को मैनेज करने का काम करता था। अब पुलिस एक तरफ जावेद की पूरी सरगर्मी से तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ बैंक खातों से हुई लेन देन की जानकारी जुटा रही है। लेन देन करने वालों की आय का सोर्स पता किया जा रहा है। इन सारे एक्शन से एक बात साफ कि अब योगी की पुलिस उमेश पाल और योगी की पुलिस ने सबकी फाइल तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।